करने वाला हूँ मीम रिव्यू। अबे मैं करूंगा भाई। तुमको लग रहा है ये हंस लेगा मेरी तरह? ये नहीं हंस सकता है, एक बार मेरे को हंस के दिखा। देखो नहीं हंस पा रहा है। कुछ भी मैं हंस सकता हूँ। एक सेकंड। मुझे पता है आधे लोग वीडियो छोड़ के जा चुके हैं, मेरी हंसी इतनी डरावनी जो थी। बट या आज हम लोग इसके साथ मीम रिव्यू करेंगे। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यस भाई, कितना प्यारा लग रही है। तू वहाँ पे बैठ के हंसी हो, ठीक है? कितना प्यारा डोरेमोन है यार। गलती से गिर गया यार। मैं तो इसका सर फैलाया था। ओके अब ठीक है। ओके पहला मीम। अंदर उसको क्या हाल होगा अब? देखो अभी मैंने इसको थोड़ा आगे रख दिया, इसको मीम ऐसा दिख नहीं रहते। ज्यादा पीछे था यार वो, इसकी आगे छोटी छोटी नहीं दिखता है उसको। अभी यहाँ से सही से दिखे। ओके ये गंदा था भाई। ट्रांसफॉर्मेशन प्रो मैक्स। व्हाट भाई, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं अपने बचपन में अगर लड़की बनता ना, चुड़ैल से कम नहीं लगता मैं। और अभी भी मेरा क्या ये बन जाएगा, इसको डोरी में नहीं पहचानेगी। हम लड़के हैं जनाब। काला जादू। बड़े भाई नींबू पानी पीने का कल से मन कर रहा था, लेकिन नहीं थे। बड़े भाई अब तो गर्मी में टोटके का ही सामान ढूंढना पड़ेगा। ये क्या था भाई, लोग मौत के साथ खेल रहे हो, तुम समझ रहे हो? बाप तो बाप होता है। हेलो, कहाँ है तू? अभी तक घर आने का पता नहीं चल रहा, रात के 10 बज गए। अरे यार मम्मी आ जाऊँ यार, बार बार कॉल मत क्या करो यार, रखो फोन अभी, जैसे तो बजे। आ ले तेरे पापा से बात कर ले। हेलो जी पापा। बाप का डर भाई, बोलने से पहले चुम चुम बाबा। साल पुराना कपार में दर्द बा। ये है चुम चुम बाबा, जो किसी भी रोग पर चूम कर देते हैं जड़ से खत्म। ठीक है बाबा, मेरे हाथ में लकवा मार गए हैं। बाबा मुझे बवासीर है। म्यूजिक। बाबा जी प्लीज कुछ करो। मुझे बवासीर। ओ मुझे नहीं है भाई। व्हेन यू डू प्रैंक्स इन यूपी बिहार। भाई इधर प्रैंक नहीं करने का भाई, मैं यूपी में रह के ये कंफर्म कर रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। हेलो सुनो भैया। हाँ आप क्या काम क्या करते हो? लेबर का काम करता हूँ मैं तो। अच्छा तभी आपको ऑनलाइन प्यार हुआ है? हाँ हुआ है। कितने साल का रिलेशन था? 3 साल का रिलेशन था, 3 साल में 3 लाख रुपए दे चुके हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा नाम क्या था उसका? उसका नाम था एंजल प्रिया। अच्छा अच्छा भैया आप क्या काम करते हो? मैं भी यही कहता हूँ लेबरगिरी। अच्छा आप इंस्टाग्राम यूज करते हो? हाँ जी। कितने फॉलोवर्स है आप? 5K। नाम क्या है आपका? एंजल प्रिया। सही खेल गया भाई। मैं बता रहा हूँ, जिन दोस्तों को रील मैं भेजता हूँ और वो नहीं देखते हैं, उनका ऐसा ही हाल होगा एक दिन। और मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। देख देख देख, आराम से देख भाई, आराम से देख, सीख ले, कुछ काम आएगा तुझे आगे जाके, यही तो करना है तुझे। क्या बच रहा हूँ ना वापस भाई, अब मीम रिव्यू भी नहीं कर सकता क्या मैं? भाई वो मेरे को लिटरली मुंह पे बोल के गया, आगे जाके यही करने वाला हूँ मैं। तुम कैसे दिख रहे हो? तुम्हें भी बोल के गया साथ में। गर्ल्स फॉर नो रीजन। अरे
ये सच है भाई, जितने भी तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो तुम्हें पता होगा भाई, ऐसा ग्रुप होगा लड़कियों का, एकदम से आवाज आएगी हंसने की, सब साथ में हंस रही है पागलों की तरह। भाई टीचर भी सदमे में चला गया। परफेक्ट मॉनिटर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास का मॉनिटर चुनेंगे। आप सब बताओ कि स्कूल से जाने के बाद क्या करते हो? मैडम मैं स्कूल से निकलने के बाद रोमिल के घर जाता हूँ सिगरेट लेने। मैं स्कूल से निकल के रोमिल के वहाँ जाता हूँ दारू लेने। मैडम मैं तो स्कूल से निकलने के बाद रोमिल के घर पे उसी के साथ गांजा फूंकता हूँ। बेटा तुम बताओ तुम क्या करते हो? मैम मैं तो स्कूल से घर जाने के बाद मुँह हाथ धोता हूँ और अपने पापा के साथ बिजनेस में उनकी थोड़ी मदद करता हूँ। शाबाश, यहाँ आओ। तो बेटा आज से तुम मॉनिटर हुए, अपना नाम बताओ सबको। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोमिल है। भाई क्या मॉनिटर बनाया मैम ने, द रियल स्ट्रगल। अरे तुम यहाँ ठंड में क्या कर रही हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ, वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है पर मैं नहीं करना चाहती, शायद वो मुझे डिजर्व ही नहीं करता है। देखो आ गया। नहीं है वो, नहीं है। भाई लड़कों की लाइफ बड़ी मुश्किल होती है यार, वो बंदा समझ नहीं पा रहा वो क्या करे। स्मार्ट दिखने के लिए ना हमेशा सामने वाले की आंखों में देखें, वो जो भी बात करे। भाई कल मेरे दादाजी का एक्सीडेंट हो गया। हमेशा फेस पर छोटी सी स्माइल रखें। बात करते समय हमेशा आपको कम बोलना है। भाई वो इतना गंदा इंसान है ना, ये उसे पता ही नहीं कहाँ पे कैसी बातें करनी है। कल पांच बंदे खड़े थे। सामने वाले की बातों का हमेशा लेट रिप्लाई देना है। ये ले भाई तेरे 10 रुपए। भाई चाहिए क्या? भाई लेने हैं क्या? चाहिए बोल भाई। हाँ चाहिए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। हेलो। अरे यार जीरो से जीरो नहीं कटता भाई, ठीक है सही था यार। इतना पॉल्यूशन हो गया आसमान में, उड़ने की इच्छा ही नहीं होती है। साला मेट्रो से जाना आना पड़ रहा है, बताओ दाना चुनने। अब वहाँ जाओ फिर एक घंटा वेट करो फिर घर पहुँचो। भाई कबूतर ही मेट्रो से जा रहे हैं। तो अभी हम हगने गए थे जंगल में, 20 मिनट लगा हमको हगने में। अरे 20 मिनट तक मेरा इंतजार किया है रुक के, तो हम कैसे मान ले कि हमको छोड़ के चल जाएगा? काला है तो क्या हुआ दोस्त है मेरा। भाई ऐसे दोस्त चाहिए जिंदगी में। तुम्हें क्या लगता है भिक्षु मेरा वेट कर सकता है अगर मैं हग रहा हूँ तो? भाई नहीं करेगा यार। मम्मी किचन आके मेरा थोड़ा हार्ट बटा दे मी। भाई हमेशा ऐसे ही होता है यार। मैं बता रहा हूँ बचपन में जब भी मैं मदद करने जाता था कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता था। लेकिन मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ, बचपन में ऐसा सारा घर का सामान वगैरह कुछ भी लेके आना होता था तो भैया लेके आता था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं लेके आऊंगा, तो मम्मी ने मेरे को ऐसा 100 का नोट दिया एंड मैं गया लेने। एंड जब मैं दुकान पे पहुंचा मेरी जेब में 100 का नोट ही नहीं है। एंड फिर जो मेरी फटी है भाई, मैंने खो दिया था रास्ते में आते आते। लाइक सोचो मैं जिंदगी में पहली बार मम्मी की हेल्प करने की कोशिश करी एंड फिर ये हो गया। भाई मैंने उसके बाद हाथ खड़े कर लिए, मेरे को नहीं करना कुछ। डी में जो टमाटर गिर जाता है उसको आप उठा लेते हैं तो ये वही टमाटर है। तो कितना किलो बिन लेते हो दिन भर में? सही 25-25 किलो 50 किलो हो जाता है। 2 करेट 3 करेट पूरा लेते हैं बीच चुन के। तो तुम मंडी में जो टमाटर फेंक दिए जाते हैं उसको जो उसमें से जो बेहतर टमाटर है उसको चुन कर बेचते हो? तो ले जाता है मोमोज वाला, चटनी वाला, मोमोज वाला ले जाता है। भाई तो दोस्तों आज भाई शेर। और फिर हम लोग उसे खा लेते हैं।
इसके बाद मोमोज कैसे खाऊंगा मैं? मैं नहीं खा पाऊंगा भाई। हाँ नहीं सर, ये गोल नहीं है, ये तो फाउल है। कैसा फाउल है भैया? हमारा हाउस जीत रहा है तो चीटिंग कर रहे हो? चुपचाप गोल दे दे रेफरी, वरना सबको बता दूंगा तेरी बीवी मेरे घर पे सोती है। वो इसलिए क्योंकि हम आपके किराएदार है। तो क्या हुआ, सोती तो मेरे घर पे ही है ना। फेंकते भाई। ऐसे मत करो भाई। ओए अंधा है क्या, दिखता नहीं क्या? अंधा किसे बोला बे? कौन से एंगल से भाई सब तुझे अंधे दिख रहे? उसने तो कुछ किया भी नहीं था यार। अगर किसी का वजन कम नहीं हो रहा, एक आसान सा तरीका बताता हूँ। गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट करो, फिर ऐसे करो, फिर तेज तेज करो। ये उस टाइम करना है जब आपको कोई खाने के लिए पूछे। बस भाई सही है भाई, ऐसे ही कम हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा। पतली गली से निकल 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 निकल। ये होता है जलवा मेरे साथ। ये लीजिए आम खा लीजिए बंदर जी। रुक तेरी ऐसे की तैसी, समझ में नहीं आता, छीन के खाते हैं अपना जलवा है इधर। कमजोर समझ रही क्या हमको? है? अब इसने लिटरली चाटा मारा भाई। भाई इसलिए मेरे को ये सब काम करने में डर लगता है भाई। मैं तो रख के भगाता भाई। ओके तो आई गेस इसी के साथ काफी ज्यादा हो गया, मैं ये वीडियो जल्दी खत्म कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे कैमरे की बैटरी जाने वाली है। तो हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड तुम लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय।